हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज को। तब हमारी जोड़ी थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी कहा जाता था। पवन सिंह ही नहीं, खेसारी लाल के बच्चे की भी माँ बनने वाली थी। पवन सिंह के पहले खेसारी के साथ रिलेशनशिप में थी हो, जिसके जिंदगी में जाती हो, हंस के जाती हो और डस के आती हो, जिसके जिंदगी में गई है, सबका सर्वनाश करके आई है। के बीच में नहीं, क्यों भाई, नहीं क्यों, अक्षय सिंह की बात हो रही है ना, अक्षय सिंह की बात हो रही है ना, तो पूरा सुनिए भाई, उसका पूरा बैकग्राउंड भी सुनिए। आज पवन सिंह पहला नहीं है जिसकी जिंदगी वो बर्बाद कर रही है, ठीक है, अक्षय सिंह का पूरा कांड सुनिए। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा था अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह और पवन सिंह का। जी हाँ, ये तीनों का एक दूसरे के साथ गांव में जिस तरह का दमाही होता था, तो तीनों एक ही नाद में नधे दमाही की तरह घूम रहे थे। इतनी तेजी से सोशल मीडिया पे इन लोगों का वीडियो वायरल चल रहा था, उसी के बीच अब खेसारी लाल यादव की एंट्री हो गई। हालांकि खुद एंट्री नहीं किए हैं सोशल मीडिया पे, अब उनकी एंट्री करवाया गया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अक्षरा सिंह जब प्रेग्नेंट थी तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की ही बच्चे की मां बनने वाली नहीं थी, खेसारी लाल यादव के बच्चे की भी मां बनने वाली थी। खेसारी लाल यादव की बीवी के साथ जब अनबन होना शुरू हुआ तो अक्षरा सिंह से जान छुड़ाने के लिए खेसारी लाल यादव ने 6 करोड़ रुपया, गाड़ी और बंगला देकर के अपनी जान छुड़ाया, ऐसा वीडियो चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अच्छा अनु जी, ये बताइए क्या ये बात सही है जो ज्योति सिंह कह रही है कि पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी अक्षरा सिंह? सबसे पहला तो आप लोग उसको अक्षरा सिंह क्यों कहते हैं जी? अक्षरा सिंह तो कचरा सिंह का ही है, कचरा सिंह, अक्षरा सिंह और का है कि अक्षरा सिंह जी, जिसको मिल्की सिंह से के नाम से कोई नहीं जानता, आपका उसका रियल नाम लीजिए, बोलिए ना मिल्की सिंह, जिसको कोई नहीं जानता था, जो पीसी कॉलोनी में कोई नहीं पूछता था, जो स्कूल में डांस सिखाती थी, डांस क्लास में डांस सिखाती थी, ठीक है, जो अपना घर बेच के आज कॉलोनी मोड़ में फ्लैट लेके रह रही है और लोगों को कहती है हम मुंबई में रहते हैं, उसी बहाने लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, भले वो कोई प्रोड्यूसर हो या कोई ऑर्गेनाइजर हो शो का बलबूते जी, स्टूडियो खोली, कहाँ स्टूडियो खोली, चलिए बताइए कौन से स्टूडियो खोली, काम कर रही है, खुद अपना गाना गा रही है, उसके नाम से खोली है, ये कौन से कंपनी में उसको गाना रिलीज है, अपना कंपनी में कर रही है ना, मत जीए, गलत ऑफिशियल में कर रही है ना, नहीं सुनिए, आपका काम होगा कि अक्षरा सिंह का पूजा पाठ कीजिए, जय हो अक्षरा जी, जय हो अक्षरा जी, हम बता रहे हैं, नहीं है मेरा, नहीं है काम, हम नहीं कर रहे हैं ना अक्षरा सिंह का, ना खुद का स्टूडियो है, ठीक है, ना अक्षरा सिंह का खुद का है कुछ चीज, जो भी है आज भीख मांगा हुआ है किसी ना किसी, हाँ किसी ना किसी चीज के नाम पे, सुनिए हमको लगता है ना खेसारी और पवन जी की तरह आप भी शायद कल शिकार हो जाएंगे अक्षरा सिंह उर्फ मिल्की के, ठीक है, अरे अपने शांत से काम कर रही है, आप लोग टांग अड़ा रहे हैं, काय का टांग अड़ा रहे हैं जी, बोला ये क्या टांग अड़ा दिए, ज्योति सिंह भी टांग अड़ा दिए, क्या टांग अड़ा दिए, 6 साल पहले का मुद्दा उखाड़ के ला रही है, हाँ 6 साल पहले का मुद्दा उखाड़ के आ रही है, लीजिए हम उससे और पुराना मुद्दा उखाड़ के ला रहे हैं, पवन सिंह ने खेसारी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसके लिए उसने 6 करोड़ रुपया लिया था, एक गाड़ी और एक घर लिया था, बताइए काय का दिया, क्यों आना, क्यों आप कैसे पत्रकार हैं, क्या आपको ज्योति सिंह कब का बात उठा के ला रही है, आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब वो खेसारी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, बात की चर्चा नहीं है, रहे हैं आप, मतलब यही कहे की अक्षरा सिंह के चमचे नहीं, यही कहे अक्षरा सिंह के चमचे, चमचे की बात क्या, चर्चा नहीं है इस बात की, आप कैसे कह सकते हैं, अब आप आधी बातों पे और आधी जानकारी पे मुंह उठा के आ जाए किसी से न्यूज लेने के लिए, तो आधी अधूरी जानकारी जिंदगी के लिए हानिकारक होती है, आइंदा कभी रिपोर्टिंग करने के लिए जाइएगा ना, तो किसी का जिंदगी का पूरा बायोडाटा निकालिएगा, या उनका पिछले बोला जाता है ना कि जब जीरो थी तब उन्होंने क्या क्या करके आई है ना, पूरा बायोडाटा निकालिएगा, हाँ जाइए जानिए, जाइए दे अपने माता पिता का नंबर, जानिएगा कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ते थे शूटिंग लाइन में काम, जॉब में जॉब किए, उसके बाद शूटिंग लाइन में काम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, शूटिंग से मतलब, सेटिंग से मतलब नहीं रखते हैं, भले मेरे सामने पावर स्टार है या ट्रेंडिंग स्टार है, जी हाँ सेटिंग से मतलब रखती है, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है कि खेसारी लाल की जिंदगी में गई नागिन की तरह डंक मारी, उसका जिंदगी बर्बाद कर दी, रितेश पांडे की जिंदगी में गई, कल्लू की जिंदगी में गई, अदर किसी भी सिंगर की जिंदगी में गई, सबका आरोप लगा रही है, आरोप नहीं लगा रहे, प्रूफ है, जिसके जिंदगी में गई उसके जिंदगी भर का जिंदगी उसका पनौती बना दी, जिसके जिंदगी में गई पनौती कर दी उसका जिंदगी, ठीक है जी हाँ, उसको लोग ऐसे कहते हैं अक्षरा सिंह कचरा सिंह, हम तो कहते हैं पनौती सिंह हो तुम, अरे पटना की पारो है, अरे जाइए कैसन पारो छिनारो है, कभी खेसारी लाल का जिंदगी बर्बाद कर देती, आज पवन सिंह और खेसारी, आज पवन सिंह और ज्योति सिंह का जिंदगी बर्बाद करी है, ये पटना की पारो नहीं गिरगिट है, जिसके जिंदगी में गई ना हंस के गई और डस के आई, ठीक है,
इसका यही छवि है, ठीक है। इसका नाम अक्षरा सिंह नहीं, कचरा सिंह ने पनौती सिंह रहना चाहिए। पहले रवि किशन के साथ काम किया, उसके साथ भी आरोप लगा। अरे जाइए, रवि सिंह के साथ भी सेटिंग की तब उसको मिला मूवी, ठीक है। आज उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने वाला रवि किशन ही था जो देवदास मूवी मिला उसको, ठीक है। गलत करके लाए हैं। जी हाँ, जिसके जिंदगी में गई उसका जिंदगी बर्बाद की, रवि किशन की जिंदगी में गई उसका जिंदगी बर्बाद की, फिर खेसारी लाल की जिंदगी में आई, खेसारी लाल की जिंदगी में आई उसका जिंदगी बर्बाद की, पवन सिंह की जिंदगी में आई, फिर पवन सिंह के छोड़ी खेसारी के पास गई। ये ना थुक, एक कहा जाता है ना, कहावत है कि बेटा घर से जाते हैं थुक्कल चटिए मत, लेकिन ये अक्षरा सिंह को क्या संस्कार मिला पता है, बेटा ये थुकले रहते ना उन्हें चाट के आई है भले। ये आप कैसे कह सकते हैं खेसारी लाल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो आप बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सवाल उठा दिए भोजपुरी इंडस्ट्री। सही बात है, कोई आ जाए, कोई माई लाल, माई का लाल है जो एक माई से पैदा हुआ है, आ जाए हमको सवाल करने के लिए, हमारे पास सबूत मांगने के लिए, सबूत के साथ इतना जुत्ता ना मारेंगे कि आइंदा किसी के बारे में सवाल करने से पहले या प्रूफ मांगने से पहले ना पहले 10 बार पढ़ेगा। अच्छा। सर्च करेगा, उसके बाद हम खेसारी लाल को लपेट रही है इसमें, खेसारी लाल को लपेट रही हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रही हूँ भाई। उसने खेसारी लाल को लपेटा है, उसने लूटा है, तब आज खेसारी लाल का नाम ला रही हूँ कि पवन सिंह कहीं जिंदगी बर्बाद नहीं की, इसने खेसारी का भी की है। अच्छा। जी हाँ, खेसारी लाल तो शादी शुदा समझे, प्रूफ है नहीं है तो कहाँ प्रूफ है। यहाँ कोई भी स्टार हो या अक्षरा सिंह हो या कचरा सिंह हो या अक्षरा सिंह कचरा सिंह का खानदान हो, कोई भी ऐसा कलाकार हो जो इंडस्ट्री की माँ बहन करे या गंदा चीज फैलाने वाला काम करे, उसको जुत्ता निकाल के 20 जुत्ता मारेंगे, गिनेंगे एक भी नहीं। अभी तो ठीक है, से काम कर रही है, आप ही लोग उंगली कर रहे हैं जी, गाय का काम कर रही है जी, कर रही है। अभी कुछ दिन पहले वो नवरात्रि का दशहरा का शो करने गई है, पवन सिंह के गाने पे तांडव मचाया, क्यों विवाद में आने के लिए अपना कमरिया पतरे पतरे पवन सिंह के नाम का टीआरपी पाली, अपना कमरिया पतरे पतरे बजा ली, वरना अक्षरा सिंह का खुद का औकात नहीं है कि अपना गाना अपने बलबूते पे 1,00,000 बजा ले, ठीक है। आपके अक्षरा सिंह ये मतलब उसमें भी अक्षरा सिंह की गलती था। देखिए हम आपको ये बात बताएंगे, हम आपसे बोलने में आपसे बात करने में थक भी नहीं रहे हैं, आपको जवाब देने में भी, सुनिए 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 सवाल पहले जवाब सुनिए, आपको जवाब देने में ना हम थक रहे हैं ना आपसे बात करने में थक रहे हैं, ठीक है। आप पहले जाके ना सारी बातों को अच्छे से पढ़िए और जानिए, उसके बाद आके आप मुझसे पूछिए, ठीक है। हम जानते हैं आप पहले आधी अधूरी, आप गलत आरोप लगा रही है जो भी ये न्यूज को देख रहा है, ठीक है। पहले जाके आप अक्षरा सिंह का बायोडाटा छान मार लीजिएगा कि उन्होंने अपने बैकग्राउंड में क्या किया क्या नहीं किया, और ये कितना सच बोल रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में इन्हीं को जवाब दे दीजिएगा कि कितने सच्चाई में जी रहे हैं और कितना अक्षरा सिंह का तलवा चढ़ रहे हैं, चमचाई कर रहे हैं। मतलब आप लोग अच्छा कर रहे हैं भैया, जाइए, मैंने आप लोग अच्छे कर रहे हैं कि बार बार उंगली कर रहे हैं, तलवा चढ़ने वाला काम नहीं करते हम आपकी तरह, आप जैसे कुछ अभी इतने दिनों में बोलना नहीं चाहती। पवन सिंह के विवाद कुछ यूट्यूबर ऐसे ही है, कुछ यूट्यूबर ऐसे ही है, ठीक है, जो पर्सनल अक्षरा सिंह को रखे हुए हैं, आएंगे माइक लेके, अक्षरा तुम क्या बोली थी, अच्छा अक्षरा सिंह ऐसे कैसे हो गया, अरे अक्षरा ऐसे क्या, अच्छा ये क्या कर रहा है अक्षरा सिंह के पास, कौन क्या कर रहा है, पवन सिंह के विवाद के बाद आप कब देखिए अक्षरा सिंह को विवाद में आते हुए या खुद विवाद करते हुए। अभी कुछ दिन पहले आई है, मेरा कोई किसी का बच्चा था वो मेरे रिलेशन में थी, ये क्या है, कोई उंगली नहीं किया है, अपना वीडियो खुद वायरल करती है, वो अपना वीडियो खुद वायरल करती है पर्सनल आईडी से वो। अच्छा। आप कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से सर्च करें, हम आपको कह रहे हैं, हम आपको गलत नहीं कहना चाहते, ठीक है, आप हमारे भाई के उम्र के हैं या हमारे जो भी बोले, ठीक है, हम आपको यही कहेंगे कि आप अक्षरा सिंह का आईडी सर्च कीजिए, अक्षरा सिंह का बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसके बाद आपके पास जब टाइम हो एक बार कॉल करके मुझसे इंटरव्यू लेने आ जाइएगा, हम आपको सारे सवालों का जवाब देंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ अनु जी आपने सही बोला था, बाकी जवाब नहीं मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे। जी हाँ, प्रूफ दे देंगे, आइएगा, हम दर्शक को भी बोलते हैं, आप खुद छानबीन करिएगा, खुद आपको मिल जाएगा, प्रूफ मांगने की जरूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया पे सब जारी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो लड़की बोल रही है ये फेमस होने के लिए बोल रही है और कुछ सच्चाई भी है? दरअसल इनका नाम है अनु चौधरी, आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि सच्चाई क्या है। दरअसल सच्चाई तो न हमें पता है न आपको पता है, जैसा कि अनु चौधरी बोल रही है उसी की बिहाफ पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, शायद हो सके आप लोगों को उसके बारे में कुछ सच्चाई जरूर पता होगा, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही रहेगा, मेरा नाम इश्क सिंह है, जय हिंद।